गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सारे के सारे? आई होप यू आर डूइंग वेल, राइट? तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट क्लास से। ये हमारा 11th क्लास का 4th लेक्चर है गाइस, और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री गाइस। क्या पढ़ रहे थे गाइस? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। राइट गाइस, देखो चैप्टर्स, ये वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस, ये चैप्टर बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। मतलब इस चैप्टर में थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, यानी कि आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी थोड़े से मैथमेटिक्स टर्म के साथ। और मैं ये मानता हूँ गाइस कि आप लोग अभी 11th 10th करके आए हो, यानी कि आपने 10th तो पढ़ाई है, और 10th में ही मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, यानी कि आपको जोड़ घटा गुणा भाग तो अभी आती है, आपकी बिल्कुल रिफ्रेश्ड है। आपने को मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल आती ही नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आती है। और गाइस, जो लोग की कैलकुलेशन हमने करी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, चाहे तो मैथ की दृष्टि से हो, यानी कि मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर वो हो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा मैथ में होगा, यानी कि जिसके पास बायोलॉजी नहीं, जो मैथ में असाइंड होगा, उसको हमने वही लॉगरिथम मैथ में ही पढ़वाया है सर से, क्योंकि मैथ में भी लोग की रिक्वायरमेंट होती है और केमिस्ट्री में भी लोग की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं आपको हकीकत बताऊं तो फिजिक्स में भी आप लोग से कैलकुलेशन करोगे, तो वो कैलकुलेशंस आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कैलकुलेशंस कितनी आपको क्लियर है नहीं है, उसकी आप टेंशन मत लो, आपकी हर क्वेरी का मेरे पास समाधान होगा, आपसे वो उसके बारे में पूछा जाएगा गाइस, आप टेंशन उसकी बिल्कुल ही मत ले, ठीक है? तो लास्ट क्लास से चलते हैं लाइव। हम लोग लास्ट क्लास में मैटर की बात कर रहे थे, हमने मैटर को डिफाइन किया था, और मैटर को डिफाइन किया था हमने दो तरह की अपीयरेंस पे, एक फिजिकल अपीयरेंस थी और एक उनकी केमिकल अपीयरेंस, नहीं केमिकल अप्रोच थी। जब बात फिजिकल अपीयरेंस की थी तो मैंने कहा था कि जैसा हमें वो दिखता है उसी के बेस पे हम मैटर या सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। मैटर क्या? जो हमारे चारों तरफ है। मैटर क्या? जो जहाँ घेरता हो। मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता हो, जिनको डोल्टन ने एटम्स कहा था, राइट? एटम्स से फर्दर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समथिंग लाइक दैट, राइट? उनके चार्ज मैंने बता दिए थे कितना किस पे चार्ज होता है, माइनस का या प्लस का, ये बात भी खत्म हो चुकी थी गाइज। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था केमिकल अपीयरेंस के बेस पे किस तरीके से आप अपने सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने बताया था एक थे प्योर सब्सटेंस और एक थे मिक्सचर्स। कैसे थे गाइज? एक थे मेरे पास केमिकल अपीयरेंस के बेस पे, एक थे प्योर और एक थे मिक्सचर्स। प्योर मतलब जिनके अंदर कोई मिलावट ना हो। किसकी बात कर रहे हैं? सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, यानी कि आपने केवल एक ही की बात कर रहे हो, आपने कोई दो चीजें आपस में नहीं मिलाई, केवल आप एक ही चीज की बात कर रहे हो, राइट? उसके बाद अगर आप मिक्सचर की बात कर रहे थे तो मिक्सचर्स आपके पास दो थे, एक होमोजीनियस और एक गाइज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस बना था होमो प्लस जीनियस से, होमो का मतलब था सेम और जीनोस का मतलब था फेज, यानी कि सेम फेज हो। जिसका मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था कि अगर आप पानी के अंदर चीनी मिलाओगे और उसको कहीं से भी पीना शुरू करोगे, ऊपर से लिक करना चाहो या अंदर स्ट्रो डाल के पीना चाहो, तो वहां पे क्या था गाइज? वहां पे ईच एंड इक्वल डायरेक्शन में आपको सेम प्रॉपर्टी मिली थी, जितनी मिठास उसके ऊपर थी उतनी मिठास उसके नीचे भी थी, राइट? तो यहाँ पे हमने होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, जिनकी सेम फेज होती है। क्या होती है गाइस? जिनकी सेम फेज होती है। बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था? हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में मैंने बताया था कि जिनकी डिफरेंट फेज हो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनियस मतलब फेज, डिफरेंट फेज, राइट? यानी कि जो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करते हो। अब डिफरेंट फेज को मैंने एग्जांपल से कैसे समझाया था, जैसे पानी में आपने मिला दिया रेत, शीशे का गिलास लो, पानी डालो, उसके अंदर रेत डाल दो, तो आपको देखोगे आप कि रेत नीचे चला जाएगा और पानी जस्ट ऊपर ऊपर रहेगा, राइट? यानी कि आपका पानी अलग है और आपका रेत अलग है, यानी कि आपके सॉल्यूशन के पास, यानी कि आपके इस मिक्सचर के पास दो तरह की फेज है। किस तरह की फेज है? दो तरह की, एक जो ऊपर है, एक जो नीचे। डिफरेंट फेज है,
बात समझ में आती है, डिफरेंट फेज है। जैसे कि नमकीन का जो मिक्सचर बताया था मैंने, हल्दीराम का नवरत्न मिक्सचर जो बताया था, उसे में क्या होता है, किसी बाइट में तो आ जाता है आपको काजू, किसी बाइट में आपको जाता है बादाम, किसी बाइट में नमकीन। तो मतलब वो क्या था, हेट्रोजीनियस तरह का मिक्सचर था, यानी कि वहाँ पे वो आइसो तरह से, यानी कि एक साथ पूरी जगह डिजोल्व नहीं था, एक साथ पूरी जगह डिजोल्व नहीं था, कुछ कहीं पे ज़्यादा था कुछ कहीं पे कम था, यानी कि किसी बाइट में काजू थी और किसी बाइट में काजू नहीं थी। अगर आप ये सैंड वाला पानी, यानी कि सैंड वाला पानी इसके अंदर डाल के पियो, ऊपर से पियो तो पानी पानी मिलेगा और नीचे स्ट्रो डालोगे तो रेत आ जाएगा, यानी कि आपको दिखेगा कि भाई मैं ऊपर से अगर पानी पी रहा था तो मुझे केवल पानी मिल रहा था, रेत नहीं मिल रहा था, और नीचे जब पी रहा था मुझे रेत भी मिल रहा था, पानी कम मिल रहा था। यानी कि आपका जो मिक्सचर था, यानी कि जो आपने मिक्सचर लिया वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैटेगरी के अंदर आ रहा था, राइट। इसी को ख़त्म करने के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेट्रोजीनियस, यानी कि सब्सटेंस पढ़ी थी, हेट्रोजीनियस की नहीं प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि सब्सटेंस की, तो प्रॉपर्टी सब्सटेंस की पढ़ी थी हमने। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी गाइज मास, राइट। मास के बारे में मैंने बताया था कि आप इसको ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में मेजर कर सकते हो। तीनों के मैंने आपको इंटर कन्वर्जन भी बताए थे, तीनों के मैंने आपको क्या बताए थे, इंटर कन्वर्जन भी बताए थे। उसके बाद मैंने वॉल्यूम के बारे में बताया था, वॉल्यूम को बी से रिप्रेजेंट करके दिखाया था, और वॉल्यूम के मैंने आपको लीटर, मिलीलीटर, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, पूरा एक बोर्ड भर रखा था उनसे बनने वाले सारे के सारे सॉल्यूशंस का, कि किसका आपस में किस तरह से तुम्हें सॉल्यूशन करना है गाइज। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, और जो गाइज थर्ड प्रॉपर्टी की आज बात करने वाले हैं, इस थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं भाई, टेम्परेचर की। टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में मेजर करते हैं। किसे मेजर करते हैं गाइज, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर करते हैं, और इन दोनों को रिप्रेजेंट करने की, इन दोनों के इंटर कन्वर्जन के लिए हम क्या यूज करते हैं। सपोज करो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 273 273 को ऐड कर दोगे और आपके पास जो 300 आएगा ये केल्विन में आंसर आएगा। किस में आएगा गाइज, केल्विन में। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको डिग्री में दी हुई है, आप उसमें क्या ऐड कर दो, आप उसमें ऐड कर दो 273, क्या ऐड कर दो आप उसके अंदर 273 ऐड कर दो, आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा, राइट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइज टी से, कैपिटल टी से। अगर वो कैपिटल टी में है तो मतलब आपने उसको केल्विन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है गाइज, केल्विन में दिया हुआ है। अगर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ वो रिप्रेजेंट करता है उसको डिग्री सेल्सियस में, किस पे रिप्रेजेंट करता है गाइज, डिग्री सेल्सियस में। तो ये थी हमारी सब्सटेंस की थर्ड प्रॉपर्टी, टेम्परेचर। दोनों का इंटर कन्वर्जन ही मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो कैसे करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देंगे, और 0 मतलब 0 प्लस 273 इक्वल्स टू 273, और हमारे पास वो आंसर क्या आ जाएगा, 273 केल्विन। यानी कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 में है वो केल्विन में 273 केल्विन के इक्वल होगा गाइस, राइट है। इसको फटाफट से लिख लो, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
लिख दिया होगा गाइस, आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो है डेंसिटी। क्या है गाइस? डेंसिटी। डेंसिटी को इसको डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। और डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मास के भी चेंज पता है, आपको वॉल्यूम के भी चेंज पता है, राइट? तो इसको हम मीजर करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एमएल, क्योंकि एक सेंटीमीटर क्यूब एक एमएल दोनों बराबर ही बात है। आप इसको ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी अपनी बुक के अंदर या हम क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे वहाँ लिखा देखेंगे। अगर नहीं होगा तो इनको आपस में आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। वही 1 ग्राम इक्वल्स टू 10^-3 किलोग्राम, राइट? 1/1000 को आप 1/10^3 भी लिख सकते हैं और 10^-3 भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको शायद करने सिखा दिए, आपको ये अच्छे समझ में आते होंगे। 1/1000 को आप 1/10^3 भी लिख सकते हैं और 10^-3 भी लिख सकते हैं। ये सिंगल डिजिट रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका साइंटिफिक नोटेशन है। जब 10^ में किसी चीज़ को लिखा जाता है तो हमारे पास निकल के आती है साइंटिफिक नोटेशंस। वो मैंने आपको करनी सिखाई दी कि कैसे साइंटिफिक नोटेशंस होगी। डेंसिटी के बारे में लिख लो गाइस फटाफट से, डेंसिटी के बारे में लिख लो जल्दी से। बहुत आराम आराम चलेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बहुत हमें जल्दी नहीं है, राइट? हमें चीज़ों को समझ के करना है, बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से उनको पढ़ना है। इसको फटाफट से लिख ले। आगे चले गाइस, आगे चलते हैं और फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी प्रेशर। क्या है जी? प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और प्रेशर इक्वल्स टू जो होता है वो इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए एरिया। जितना आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगाओगे वही प्रेशर है। जैसे कि मैं इस स्क्रीन का कोई एरिया है और इस पूरे पे एक साथ कोई फोर्स लगाऊं तो फोर्स ना बोल के मैं बोलूँगा कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा रहा हूँ, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। इसकी यूनिट्स कौन कौन सी होती है? फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट्स। इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, राइट? यूनिट्स की बात करने के लिए क्या करेंगे? पहले फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है गाइस? न्यूटन। अपॉन एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। इसको कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट तो हमारे पास आती है ये, और पास्कल। क्या गाइस? पास्कल। ये दोनों यूनिट्स आप जनरली फिजिक्स में यूज करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, दोनों एक ही बात है। और ये इनकी एसआई यूनिट्स भी है। कौन सी यूनिट्स है गाइस? एसआई यूनिट्स है। एसआई यूनिट्स मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स। कैसी यूनिट्स गाइस? स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड सिस्टम पे जो बनती है वो यूनिट्स है। इसके अलावा हम इसे केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं? हम इसकी जो केमिस्ट्री यूनिट्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एटीएम, एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक प्रेशर, बार। किसे पढ़ेंगे? बार। एमएमएचजी,
कटोर, ये यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं और इन्हीं का हम लोग आपस में इंटरचेंज देखने वाले हैं। तो इंटरचेंज गाइस, वन एटीएम इक्वल्स टू होता है 1.0325 बार, यानी कि एक एटीएम में कितने बार हो गए गाइज, 1.0325, 101 3 2 5, 1.01325 बार, राइट। वन एटीएम इक्वल्स टू 760 mm ऑफ HG, वन एटीएम इक्वल्स टू 762। ये देखो मैंने हर एक को एटीएम में कन्वर्ट कर दिया, हर एक का एटीएम में बारह में रिलेशन निकाल दिया। किन्हीं भी दो को उठा के आप बार और एटीएम में यानी कि उसमें रिलेशन निकाल सकते हो। अगर आप इसकी बात करते हो, यानी कि आप किसकी बात करते हो, बार की और MMHG की, तो आप क्या करना, 1.01325 बार इक्वल्स टू 760 ऑफ MMHG रख देना, राइट। दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, 1 TOR इक्वल्स टू 1 MMHG, दोनों तो एक ही बात है, दोनों 760 बात ही है, राइट। ये गाइस थी इनकी यूनिट के इंटरचेंज और ये तुम्हें लर्न होना चाहिए। तुम्हारे फिफ्थ चैप्टर में पूरा सी का खेल है, जो भी फिफ्थ चैप्टर आएगा 11th क्लास में, स्टेट्स ऑफ मैटर, पूरा प्रेशर का ही खेल है। जो खेल समझ गया वो जीत गया, जो खेल नहीं समझा वो हार गया, ठीक है जी, ठीक है कि नहीं है। इसको फटाफट से लिख लो गाइस, इसको फटाफट से लिख लो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको एक बार फटाफट से लिख लेंगे, सब कुछ क्लियर है, पानी की तरह क्लियर है। फिजिक्स में भी यूज़ होने वाली यूनिट्स मैंने आपको बता दी और मैंने आपको केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली भी यूनिट बता दी। ATM का मतलब होता है एटमोसफियर में जितना प्रेशर लग रहा है, जैसे कि एटमोसफियर में बहुत सारी गैसेज है और गैस हमारे शरीर से हमारी बॉडी के पार्ट से कोलिजन कर रही है आके, राइट। तो जो वो कोलिजन कर रही है, हमारी बॉडी का कोई एरिया है, इस पैन का एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, इस एरिया पे यानी कि इस पर्टिकुलर पैन के एरिया पे जो भी एटमोसफियर अपना प्रेशर फील करा रहा होगा, यानी कि जितनी भी गैस इससे आके टकरा रही होगी, तो बार बार इस पे कोई ना कोई प्रेशर तो लगा रही होगी, वो जो प्रेशर होता है वो 1 ATM के बराबर होता है। हम उसको बोलते हैं 1 atmospheric प्रेशर। क्या बोलते हैं गाइस हम उसको, 1 atmospheric प्रेशर। ये ATM वहीं से आया है, बार इसकी दूसरी यूनिट है। MMHG जब प्रेशर को पारे से नापते हैं, किससे नापते हैं, पारे से। सपोज करो कि इसने प्रेशर लग गया, तो प्रेशर लगने से दूसरी तरफ पारा ऊपर चढ़ जाता है। एक ऐसी स्केल होती है, ऐसी एक स्केल होती है, उसमें पारा ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ जाता है, तो जितनी हाइट तक पारा चढ़ेगा तो बोल देते भाई इतना इसके अंदर प्रेशर है। जैसे कि 1 mm 1 ATM पे 760 mm की हाइट तक पारा ऊपर चढ़ जाता है, तो हमने बोल दिया कि भाई 1 ATM पे 760 mmHg आ गया, ठीक है गाइज, कर लो जी इसको। इसको फटाफट से लिख लो गाइस, ये यूनिट्स का खेल ना, आप ये यूनिट्स का खेल आप अपनी 11th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रहे होगे गाइस। वहाँ आपको डायमेंशन करके एक चैप्टर आएगा, वहाँ भी आपको ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फिक्र मत करो, आप सब कुछ पढ़ोगे, राइट, फिक्र नहीं करो। Thank you.
लिख लिया गाइस, अब चलते हैं जी आगे। आगे चलते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गाइस ख़त्म हो चुकी। आगे चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन पेशकश के साथ, बहुत ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। नाइन्थ क्लास से आपको कनेक्ट करूँगा। नाइन्थ क्लास में आपने पहली बार ये चीज़ पढ़ी थी, आपने कभी किसी मोल के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? मोल के बारे में। और यहाँ पे हम वही मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं गाइस। क्या पढ़ने वाले हैं? मोल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ने वाले गाइस? मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, मोल होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा एक दर्जन के लिए, आपसे कोई पूछे भाई दर्जन क्या है, वन डजन, बनाना, एक दर्जन केले। आपने पूछा केले में जानता हूँ वो पीले पीले से होते हैं, छील के खा लेते हैं, एक का मतलब भी समझता हूँ एक है, लेकिन ये डजन या दर्जन क्या है? तो फिर आपको दुकानदार बोलता है कि साहब हम दुकानदार लोग एक दर्जन के अंदर 12 चीज़ों को रखते हैं। क्या रखते हैं सर? एक दर्जन के अंदर 12 चीज़ों को, जैसे कि एक दर्जन पेन, 12 पेन ला के रख दूंगा तो क्या बोल दूंगा उनको? एक दर्जन बोल दूंगा। एक दर्जन चूड़िया, 12 चूड़ियों को ला के रख दूंगा तो क्या बोल दूंगा? एक दर्जन चूड़िया। 12 केले ला के रख दूंगा तो क्या बोल दूंगा? एक दर्जन केले। चलो ये तो दर्जन का एग्जाम्पल था, बात करते जोड़े की या पेयर की। एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूता, यानी कि जूता तो एक बोल रहा हूं लेकिन जोड़ी में कितने हैं? दो जूते। कितने भाई? कि एक पेयर के अंदर या एक जोड़ी के अंदर दो चीज फिक्स हो जाएगी, एक जोड़ी पेन, एक जोड़ी शर्ट, राइट। एक कभी कभी घर में ही बोल देते एक जोड़ा। क्या बोलते? एक जोड़ा। किसी का जो कपड़ा वपड़ा आता है तो क्या बोलते उसको? एक जोड़ा आ गया तेरा तो भाई, मतलब उसकी पैंट भी आ गई, उसकी शर्ट भी आ गई, यानी कि उसमें भी दो चीज़ आई कि भाई तेरी पैंट भी आएगी और तेरी शर्ट भी आएगी, एक जोड़ा। यानी कि पेयर में हमारे सिस्टम ने फिक्स किया हुआ है कि भाई दो ही चीज़ें आएगी। इसी तरह एवोगैड्रो एक नंबर होता है। क्या होता है गाइस? एक एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो इक्वल टू होता है 6.022 × 10³। किसके बराबर होता है गाइस? 6.022 × 10³। अच्छा झूठ ना मत बोलना, कसम से बताना कि नाइन्थ क्लास में ये नंबर पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। नाइन्थ क्लास में तुम्हें मोल भी बताया गया था और नाइन्थ क्लास में तुम्हें 6.022 × 10³ ही बताया गया था और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए गए थे और इसको एवोगैड्रो नंबर के नाम से ही पढ़ाया गया था। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये 6.022 × 10³ कैसी नोटेशन है? कैसी नोटेशन है बताओ? साइंटिफिक नोटेशन है कि नहीं है? है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन आपने मतलब पहले भी पढ़ी हुई है। आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो गाइज कि चीज़ों को आप बहुत हद तक तो जानते हो। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि ये आज ही पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीज़ें समझ में कम आएगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है किसी भी चीज़ को समझने का। हाँ मैं कर लूँगा, भले ही मुझसे नहीं आता, मैं लड़ने गया। कुछ चीज़ें तो इंसान ऑन द स्पॉट सीखता है, मतलब वहीं पे सीखता है कुछ चीज़ें तो इंसान, जैसे वो चल रहा होता है। बात समझ में आती है? यानी कि आप केवल बस इतना, हाँ आपको याद नहीं है, मैं आपकी बात को समझता हूँ, आपको याद नहीं है, आपको अभी चीज़ें नहीं समझ में आ रही अच्छे तरीके, मतलब क्लियर नहीं हो पा रही, टर्बिडिटी है, उसी को तो दूर करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मेरा क्या काम है? मेरा काम गाइस यही तो है कि तुम्हारी पुरानी शक्तियों को तुम्हें याद करा सकूँ, जो नई शक्ति है वो तो तुम्हें प्रदान करवाऊँगा ही ऐसे। लेकिन पुरानी शक्तियाँ कौन कौन सी रखी हुई है उनको अगर थोड़ा सा घिस लेंगे तो महाशक्तिशाली बलशाली बन जाओगे? बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे बताओ? वही ये मोल भी आपने पहले सुना है और ये एवोगैड्रो भी आपने पहले सुना है, 6.022 × 10³। तो गाइज किसी भी सब्सटेंस के, सपोज करो अब केमिस्ट्री में केले वेले तो चलते नहीं, केमिस्ट्री में पैंट शर्ट तो चलते नहीं, केमिस्ट्री में पैन तो चलते नहीं, केमिस्ट्री में चलते हैं गाइज एलिमेंट्स, मोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एटम्स। एक से ज़्यादा एटम जब मिल जाते हैं तो बन जाता है मोलिक्यूल, और जब बहुत सारे मोलिक्यूल आके इकट्ठा हो जाते हैं तो बन जाता है कंपाउंड। समझ में आती है? राइट, एटम अकेला, दो एटम मोलिक्यूल, और बहुत सारे मोलिक्यूल कंपाउंड। क्लियर है?
यानी कि कंपाउंड इज़ अ बिगेस्ट थिंग, और छोटा करोगे मॉलिक्यूल बनेगा, और छोटा करोगे एटम बनेगा, और एटम के फिर अंदर घुस जाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। क्लियर है गाइज, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब क्या करते हैं यार, हमारे पास एक यूनिट फिक्स करनी पड़ी, मतलब रिक्वायरमेंट पड़ी। सपोज करो मुझे कहीं रिएक्शन करवानी है या किसी की चित्र करना है, तो कभी तो कोई बोलता है एक एटम, कभी बोलता है इसका एक मॉलिक्यूल, कभी बोलता है उसका एक मोल। तो एवोगैद्रो भाई साहब ने फिक्स कर दिया कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स। आइए इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मायना समझ लेते हैं कि इस लाइन का मायना क्या है। क्या ये लाइन हमें बोल रही है, क्या ये लाइन चीख चीख के तुम्हें बताना चाहती है, क्यों ये लाइन को हमें पढ़ना पड़ रहा है, आइए जरा इस बारे में एक बार जान लेते हैं। आइए इस लाइन के बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा अपना कलर सेट कर लूँ, मुझे तीनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, पता नहीं ये हमारा पागल बना रहा है क्या, लेकिन हम डिफरेंस को ढूंढ के रहेंगे, हमने अपने काम की चीज पकड़ ली। राइट है जी, बात करते हैं जी। आइए इस लाइन का जो मैंने लिखा वन मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स पार्टिकल मोलिक्यूल्स का मायना समझते हैं, इसका मतलब क्या है। आओ जी, पहला एटम कौन सा होता है, हाइड्रोजन। देखो 10th क्लास में हमने कुछ एटम्स के बारे में पढ़ा था, उनके एटॉमिक नंबर और उनका नाम, जैसे कि 1 4 हाइड्रोजन, 2 एटॉमिक नंबर 4 हीलियम, 3 इज 4 लिथियम, राइट। ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लिख देता हूँ, हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 बोरोन 6 कार्बन राइट 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 9 फ्लोरीन 10 नियोन राइट है जी। उसके बाद 11 सोडियम 12 मैग्नीशियम 13 एल्यूमिनियम 14 सिलिकन 15 फॉस्फोरस 16 सल्फर 17 क्लोरीन 18 आर्गन एंड 19 पोटेशियम 20 कैल्शियम। ऐसे करके हमने वहां 20 तक के कुछ एटम्स पढ़े थे। पढ़े थे जी। अब मैं क्या बात करता हूं, मैं बात करता हूं कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, किसकी बात करते हैं जी, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम है तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम आए, यानी कि अगर आपके पास एक मोल हाइड्रोजन है तो उसके अंदर इस हाइड्रोजन के कितने एटम्स है। तो ये लाइन बोलती है कि अगर आपके पास एक मोल ऑफ हाइड्रोजन है ना सर, तो आपके पास 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। अगर वो बोलता वन मोल ऑफ H2, हाइड्रोजन एटम था, एक से एटम आए, क्या बना दिया मॉलिक्यूल, क्या बन गया ये मॉलिक्यूल बन गया।
ये क्या था? एटम था। क्या था ये? एटम। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक मोल हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपसे कोई बोले एक दर्जन आम में कितने आम, तो आप बोलोगे 12 आम। क्या बोलोगे? 12 केले। अरे अगर आपसे बात आम की हो रही है और आप करने लग जाओ आम के अंदर केले, इररिलेवेंट चीजें है ना भाई। एक दर्जन केले में तो एक दर्जन केला ही होगा, एक दर्जन केले में एक दर्जन आम तो नहीं हो सकता। अरे आप डिफाइन तो केले हो करना चाह रहे हो और डिफाइन कर रहे हो आम को, इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है ना। तो आप जिसकी बात कर रहे हो उसी को वहां पे डिफाइन करोगे बच्चा जी। यानी कि आप अगर एक मोल ऑफ एच की बात कर रहे हो तो बताओगे कि एक मोल ऑफ एच में 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ एच ही प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछे कि एक मोल ऑफ H2 की क्या कहानी है जी, तो आप डरना मत। आप क्या बोलोगे? एक मोल H2 में 6.022 इंटू 10^23 मोलिक्यूल्स। ऊपर मैंने क्या लिखा था? एटम्स। मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और मोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? H2 से। यानी कि एक मोल H2 बराबर 6.022 × 10^23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2। और एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? एक H2 मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, ये कैसे पता लगेगा? भाई मोलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना है उतने ही तो उसके अंदर एटम है। एक मोलिक्यूल ऑफ H2 दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 2 × 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक मोल H2 के लिए ये दोनों ही बातें यूनिवर्सली ट्रू, सार्वभौमिक सत्य है। यानी कि आप एक मोल H2 में या तो 6.022 × 10^23 मोलिक्यूल बोल लो, या वो बंदा बोलता है नहीं मैं मोलिक्यूल नहीं, मैं तो एटम बोलूंगा। तो भाई देख ले एटम कितने से मिलके बना है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ पे आती है? आती है कि नहीं आती है? इसको छापो और समझाते हैं, इसको भी और चलते हैं, इसको लेके आगे लिखो जी सर, इसको फटाफट से उतारो। ये पूरा का पूरा हमारा जो सिलेबस चल रहा है अभी 9th क्लास का चल रहा है, अभी इस 9th से थोड़ा सा अपग्रेड करना है 11th के लेवल को, इसी मूल कॉन्सेप्ट को भी आगे लेके चलना है। ये हम बेसिक सीख रहे हैं जिससे कि हमें भाई कन्फ्यूजन ना हो, हम इस नंबर का, हम इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए, ये इसका मतलब है। चलिए सर इसको फटाफट लिख लीजिए। इसको फटाफट से लिख लीजिए, आगे चले।
आगे चलते हैं सर, ठीक है इसको पोज करके लिख सकते हो, आगे चलते हैं इसी बात को आगे लेके चलते हैं जी। अगर हमसे कोई बोले कि वन मोल ऑफ ओ का मतलब क्या है, ओ बोले तो ऑक्सीजन, ओ इज फॉर ऑक्सीजन, ओ इज फॉर ऑक्सीजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, 8 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। वन मोल ऑफ ओ इसका मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। अगर वो बोले वन मोल ऑफ ओ टू, क्या बोले वो, वन मोल ऑफ ओ टू, तो आप क्या बोलोगे, 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये आपके सामने बात निकल के आई है, ये आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं गाइस। क्लियर है जी, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आप मॉलिक्यूल के बारे में बात करोगे तो जितने थे उतने ही मॉलिक्यूल लिख दो, आप मॉलिक्यूल के ना लिख के एटम में लिखना चाहोगे तो आप इसको 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। करना कैसे है आपको, ये 2 से ही मल्टीप्लाई हर जगह होगा क्या, इसका भी जवाब हमारे पास है जी, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या भाई, जितने भी मॉलिक्यूल्स में एटम होंगे उतने नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपसे बात करें वन मोल ऑफ ओजोन की, ओजोन इज ए गैस जो ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, किसे मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन इज ए गैस, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ओजोन में वन मोल ओजोन में 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एजोन ओजोन प्रेजेंट है, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3 अगर एटम के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, एक ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनती है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स, अगर 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या लिखोगे गाइज, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ओजोन नहीं है एटम्स के, ओजोन तो मॉलिक्यूल है, एटम्स किसके है, ऑक्सीजन के है, राइट। इसको लिख लो गाइज, राइट है जी। तो ये आपके पास आपके की कॉन्सेप्ट आ चुके, ठीक है सर, इसको लिखेंगे फटाफट। वन मोल का आप लगभग लगभग मतलब समझ चुके होंगे, इसी मतलब को अभी और आगे लेके हमें चलना है जी, अभी और इसको आगे लेके चलेंगे, अभी इसको यहां नहीं छोड़ेंगे, अभी इसको अच्छे से खत्म करेंगे, जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है सर, आगे चले, फ्रीज कर लेना, लिख लेना, आगे चलते हैं जी, आगे बात करते हैं जी। वन मोल ऑफ NaCl की, किसकी बात करते हैं, वन मोल ऑफ NaCl की, वन मोल ऑफ NaCl का मतलब एक मोल सोडियम क्लोराइड, क्या मतलब, एक मोल सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का, ये क्या बन चुका, ये बन चुका है कंपाउंड या मॉलिक्यूल।
एक मॉलिक्यूल बन चुका किसका, NaCl का, या इसको क्या बोल सकते हैं, ये बन चुका कंपाउंड, क्या बन चुका ये कंपाउंड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। अब NaCl किस किस से मिलके बनता है, NaCl सर मिलके बनता है, NaCl मिलके बनता है Na प्लस और Cl माइनस से, किससे मिलके बनता है सर ये Na प्लस और Cl माइनस से मिलके ये बना है। अब Na प्लस अगर Cl माइनस से मिलके ये बनता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ NaCl ऑल्सो इक्वल्स टू 6.022 × 10^23 आयंस ऑफ सोडियम प्लस। बात समझ में आई क्या, यानी कि NaCl के अंदर एक Na प्लस भी है और एक Cl माइनस भी है, यानी कि एक मोल NaCl का मतलब क्या है, एक मोल Na पॉजिटिव और एक मोल Cl नेगेटिव, यानी कि एक मोल NaCl के अंदर 6.022 × 10^23 सोडियम आयंस भी प्रेजेंट है, आयंस ऑफ सोडियम। और आयंस ऑफ Cl माइनस, ये बात भी तो सही है, इस बात में क्या दोहराई है, क्या इसके पास Cl माइनस नहीं थे, इसके पास Cl माइनस भी थे, यानी कि एक मोल NaCl के पास 6.022 × 10^23 सोडियम प्लस भी है और साथ साथ 6.022 × 10^23 Cl माइनस आयंस भी प्रेजेंट है गाइस। इसलिए मैंने उस फॉर्मूले के अंदर एटम्स भी पढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स भी पढ़ा दिया, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पार्टिकल्स लिखा था। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं गाइस, पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है, क्या आप इस बात का मायना समझ चुके, राइट इसको लिख ले गाइस, फटाफट से इसको लिखेंगे, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट लगभग लगभग खत्म हुआ। इसमें एक चीज और पढ़ा देता हूं, इससे अलग दूसरे सोल्ट की बात लेके चलते हैं, 1 मोल ऑफ CaCl2 किसकी बात करते हैं गाइस, 1 मोल CaCl2 क्या बोल सकते हो, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCl2 और कितने 6.022 × 10^23 आयंस ऑफ कैल्शियम 2+ और देखो बड़े काम की चीज, ये CaCl2 किससे मिलके बना है, Ca2+ CaCl-, CaCl2 के अंदर एक Ca है, दो Cl है और Cl भी कैसे है, माइनस माइनस वाले, या मैं और क्या लिख सकता हूं, और 2 × 6.022 × 10^23 आयंस ऑफ Cl-। आई थिंक अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, राइट, यानी कि NaCl में जहां दोनों ही मोल्स बिल्कुल सेम थे, वहां CaCl2 में Cl लगभग दो गुने हो गए Ca2+ के, यानी कि अगर एक मोल इतना होता है तो इस एक मोल के अंदर एक मोल Ca2+ और दो मोल Cl-, अगर इनके आयंस की बात करूं तो 6.022 × 10^23 Ca2+ आयंस एंड 2 × 6.022 × 10^23 आयंस ऑफ Cl-, यानी इनको हम बोलते हैं क्लोराइड आयंस गाइस। इसको फटाफट से लिख लेंगे,
ये हमारा एवोगैड्रो नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका। इसको फटाफट से लिखेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है? इसको फटाफट से लिख लेंगे सर। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए हैं, इनको प्लीज़ अपने दिमाग में उतार लीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। ये एक तरह की दवाई है, ता उम्र आपके काम आएगी गाइस। ठीक है जी? चले जी आगे, इसको फ्रीज करके लिख लेंगे। इनका मतलब समझेंगे, होपलेस नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, इत्मीनान से खोल के लिखेंगे। ये जो बाद में लिखा हुआ है इन्हीं का मतलब है जी। ये जो बाद में लिखा है ना सर, इन्हीं का मतलब है जी। इन्हीं चीज़ों का मतलब है, इन्हीं चीज़ों का मतलब है। ये मोलिक्यूल से आयन से आयन इन्हीं का मतलब है। ये तो आप अपने आप ये तो लगाना सीख जाओगे, दो से मल्टीप्लाई करना कि नहीं करना, ये मतलब समझ लेना कि बाद में क्या लिखा है। ठीक है? आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं, बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तो समझ लिया कि एक मोल में ये सिस्टम है जी, एक मोल में ये अड़ंग आएगा, एक मोल में ये सिस्टम पड़ा हुआ होगा। अब मोल कैसे निकालेगा भाई? हैं, तुझे कैसे पता होगा उसका एक मोल है कि दो मोल है कि तीन मोल है? तुझे कैसे पता? तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मोल्स की। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस नंबर ऑफ मोल्स को? स्मॉल एन से। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को लिखते हैं सर W से, और मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं M से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं साहब? M से। गिवन मास आपका W, मोलर मास आपका M, यानी कि N इक्वल्स टू W बाई M। क्या आप इसका मतलब समझ जाएंगे? क्या मैं आपसे उम्मीद लगा लूं कि आप इसका मतलब भली भांति प्रकार से जान पा रहे हैं? जान पा रहे कि नहीं जान पा रहे हैं? समझ जाएंगे राइट? अब गाइज बात करते हैं फर्दर एक न्यू चीज की कि भाई ये गिवन मास तो हमें दिया हुआ होगा राइट? ये गिवन मास तो हमें दिया हुआ होगा, वो 10 ग्राम बोले, 4 ग्राम बोले, 50 ग्राम बोले। भाई ये मोलर मास कैसे निकालना है, ये मोलिकुलर मास कैसे निकालना है? क्या भाई
ये मॉलिकुलर मास कैसे निकालना है। अब भाई आपको बताया हुआ था 9th क्लास में कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 4, बोरोन का एटॉमिक मास होता है 10, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। इस तरह से आपको बताया हुआ था कि किसका कितना एटॉमिक मास है। कुछ मोटे मोटे से एटम्स का मैं लिख देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो होता है 1 और मोलर मास भी उसका, यानी कि एटॉमिक मास भी होता है 1। ये भी लिख देते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी एटॉमिक नंबर को साहब, और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है जी एटॉमिक मास को। ऐसे ही सीरीज में आगे चलते हीलियम का होता है 2He4, यानी कि अगर उसका 2 एटॉमिक नंबर है तो जस्ट 2 गुना उसका क्या होता है मोलर मास होता है। लिथियम का होता है जी 6, बेरिलियम का 8 जी, बोरोन का 10 जी। रिप्रेजेंट एब्रीविएशन दिखा रहा हूँ, जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर में लिखा है वो एटॉमिक मास है। क्लियर है जी। उसके बाद कार्बन का होता है जी 12, नाइट्रोजन का होता है 14, फ्लोरीन का होता है 18। ऐसे होते हैं गाइस इनके एटॉमिक मास। एक दो का और लिख लो जो काम आने वाले हैं, जैसे कि क्लोरीन, इसका होता है जी 35.5, 2 गुने से ज़्यादा होता है। कैल्शियम 20, इसका होता है जी 40। ये तो है गाइस एटॉमिक मास। अब सपोज करो तुमसे वो पूछे कि H2 का मोलर मास बताओ। क्या बताओ? H2 का मोलर मास बताओ, यानी कि इसके मॉलिक्यूल का मास बताओ। एटम का मास तो एक है, इसका मॉलिक्यूल मास क्या होगा भाई? 1+1, क्योंकि 1H2 दो हाइड्रोजन से मिलके बना है। 1H2 दो हाइड्रोजन से मिलके बना है भाई, एक हाइड्रोजन का 1 और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1, यानी क्या आ गया इसका 2। कितना आ गया जी मोलर मास का 2। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी ग्राम पर मोल। क्या होती है इसकी यूनिट जी? ग्राम पर मोल। बात करें O2 की सर, एक ऑक्सीजन का 16 भाई, एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 16, दूसरे का भी 16, 32 ग्राम पर मोल। पूछे कोई H2O का, पूछे कोई H2O का, H का कितना होता है 1, कितने H है गुना 2, O का कितना 16, कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। पूछे कोई CO2 का, किसका पूछे कोई CO2 का, कार्बन का कितना होता है कार्बन 12, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, यानी कि 12+32=44 ग्राम पर मोल। क्लियर है? अगर कोई पूछे CaCl2 का, तो कितने कैल्शियम है 1, एक कैल्शियम का 40, एक सीएल का कितना 35.5, सीएल कितने हैं 2, 40+35.5 × 2 कितना हो जाएगा 71, कितना हो जाएगा गाइस 71, और मास कितना आ जाएगा 71+40 कितना हो जाएगा गाइस 111 ग्राम पर मोल। क्लियर है जी? यानी कि जितना भी उनका एटॉमिक मास होगा हर एटम का उसके अंदर कंबाइन करके जोड़ के लिख देंगे, सिंपल एडिशन करके लिख देंगे। एक एक एग्जांपल आपके सामने है जी, हर आपका ये क्या निकाल रहा हूँ गाइस मैं इनके
मोलिकुलर मास निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? उनके मोलिकुलर मासिस। यहां रखने के लिए, क्योंकि वो मुझसे नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा और केवल गिवन मास देगा, मोलिकुलर मास आपको खुद निकालना होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड चीजें होती है। वो बोलता है कि यू शुड नो अबाउट देम गाइस, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए इसको लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं, मैं एग्जांपल्स कराता हूँ और नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ, किस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आपको उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, इसको लिख लीजिए गाइस। लिख लिया साहेब, ध्यान दें हर चीज के बारे में। ये एटॉमिक मास है, राइट? दीज आर दी एटॉमिक मासिस, दीज आर दी एटॉमिक मासिस, दीज आर दी एटॉमिक मासिस, दिस इज। और जब एटम्स को जोड़ के निकाला जाता है किसी चीज का, तो वो क्या होते हैं गाइस? वो होते हैं मोलिकुलर मासेस। क्या होते हैं वो? मोलिकुलर मासेस, है ना साहब? वो होते हैं सर मोलिकुलर मासेस। जब मोलिक्यूल्स में निकाला जाता है तो उनको क्या बोलते हैं? मोलिकुलर मासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं नो गाइस? मोलिकुलर मासेस उनको बोला जाता है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपके पास आ चुका आपका फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले काम के थे, बाकी एटॉमिक मास काम का था, राइट? कि कहाँ होता है एटॉमिक मास और कहाँ होता है एटॉमिक नंबर, ये काम का था। इसमें ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सेम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज गाइस, राइट? एंड दीज आर दी मोलिकुलर मास। एग्जाम्पल चल रहे हैं इनके, ठीक है गाइज? क्लियर है साहब? लिख लो फटाफट से, इसको क्लियर करो गाइस। चले सर आगे, इसको फ्रीज करके लिख लेना, फ्रीज पोज करके लिख लेना, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलते हैं साहब, ठीक है? अब आगे क्या करते हैं, सपोज हमसे पूछे, एग्जांपल लेके चलते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ O2। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है 2 ग्राम ऑफ O2 में। नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू W/m। W क्या होता है? गिवन मास, वो कितना दिया है? 2 ग्राम। m क्या होता है? मोलर मास, यानी कि मोलिकुलर मास। और एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो का कितना?
दो कितना 16 into 2, 2 से 2 कट जाएगा, और यूनिट क्या होती है ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट जाए ऊपर क्या चला जाएगा N इक्वल्स टू 1/16 मोल, N इक्वल्स टू 1/60 मोल, राइट। अगर पूछे इसी क्वेश्चन को क्या पूछे, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ O2, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर आप बोलोगे कि एक मोल में कितने होते हैं 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1/16 में कितने हो गए 6.022 × 10^23 / 16, क्लियर है कि नहीं है। अगर एक मोल में इतने हैं तो 1/16 में कितने हो गए इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और अगर पूछे एटम्स तो 1/16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2 × 6.022 / 16 × 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे भी तुमसे वो सवाल पूछ सकता है, एक ही सवाल के तीन तीन तरीके। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे, चाहे सवाल उसने आपको ये दिया है, चाहे सवाल उसने आपको ये दिया है, और चाहे उसको आपने सवाल आपने उसको ये पूछने के लिए बोला है, निकालोगे आप ये नंबर ऑफ मोल्स ही। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आपको पता लग जाएंगे, जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आपको पता लग जाएंगे, आप तुरंत क्या कर दोगे, आप तुरंत उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन लगाओगे ये वाली गाइस, और आप तुरंत बता दोगे कि 1/16 मोल ऑफ O2 में इतने O2 के मॉलिक्यूल है, या 1/16 मोल O2 में इतने उसके एटम्स है। एटम्स को अंडरलाइन करें, ठीक है जी, और यहां मॉलिक्यूल्स को अंडरलाइन करें, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है गाइस। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में इसके और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे गाइस, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, राइट। इन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे, क्वेश्चंस को और बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते हुए करेंगे, एक एक टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, कल और भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने अपना मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करने सीखे, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन सीखी, और उससे पहले हमने अपने सब्सटेंसेस के यानी कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया, उनके आपस में इंटरकन्वर्जेंस को भी देख लिया। चैप्टर रफ्तार में है, चैप्टर पे अब एक्सीलेटर आ चुका, ये हमारे सब कुछ काम का है, ये हमारे सिलेबस का ही हिस्सा है। थैंक यू सो मच गाइज, कल फिर मिलते हैं।